वेलकम बैक अवतीन नजरात, आप देख रहे हैं मेरी माँ और बात हो रही है लिविंग लेजेंड जनाब जावेद शेख साहब से। तो एक तरफ आप अपने वाले से शदीद मोहब्बत भी करते थे इसका मतलब। यस यस, बट मुझे देखे जो मेरी 1983 में फिल्म मुझे दोबारा मिली है अनकही के बाद, अच्छा सॉरी फ्लॉप थी, इसमें बीच में एक एंगल एक और है कमाल का। फ्लॉप थी मेरी पहली फिल्म, राइट। दूसरी फिल्म साजिद साहब मुझे मिली जिसका नाम था बीवी हो तो ऐसी। बीवी हो तो ऐसी में शबनम फिर हीरोइन, मगर हीरो शफी मोहम्मद। अच्छा ठीक है ठीक है। डायरेक्टर जायद शाह और ये मेरे पास आए, कहने लगा जी इसमें एक सेकंड हीरो का रोल है, आरजू एक एक्ट्रेस होती थी नाजपान मसाला, बिल्कुल नाजपान मसाले, वो उसके साथ आपका पेयर है और आपने ये काम। मैंने कहा यार मैं तो हीरो आया था, आप मुझे सेकंड हीरो ले रहे। शफी ने कहा यार छोड़ दे यार, हम लोग दोस्त है, ये है वो है, मजा करेंगे, ये है। मैंने फिल्म कर थे आप लोग शफी? हाँ हाँ हम लोग थे ना पहले से, और टीवी पे, और टीवी पे मैं बैरोज ये तो हम दोस्त थे। यस ऑफ कोर्स यार, उसकी भी एक एंगल है ना कि 81 में हम, मैं शफी मोहम्मद और बैरोज तो सीरियल छोड़ के शारजा चले गए थे। आप लोग क्या कंट्रोवर्सी निकली थी यार, ओ दीप्ति नवल के साथ जो फिल्म गजनफर वाली फिल्म जो दूसरा किनारा, वो शफी भाई को तो बैन कर दिया था अगले 2 साल। कहानी सर एक अलग है, मैं तो कह रहा हूं ना। तो खैर मैंने वो फिल्म कर ली, 5 दिन शूटिंग की, 6ठे दिन जब मैं पहुंचा हूं तो उन्होंने कहा कि जी आज आपकी शूटिंग नहीं है। मैंने कहा खैरियत? बोला बस वो शाम को आप जबीस होटल में कमरा नंबर 100 आप आइएगा, आपसे बात करनी। मैं घबरा गया, मैंने कहा अल्लाह खैर करे क्या है, कुछ पता नहीं। शाम को पहुंचा सदर में जबीस उस वक्त पीसी था, सब कुछ वही था, सब हाँ यस बिल्कुल ऐसे ही। तो खैर पहुंचा तो वहां देखा रश लगा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं, धुएं से कमरा भरा हुआ है। मैं जाके खड़ा हो गया, हाँ भाई वो देखो बात यह है कि ये फलां बंदे आए हैं लाहौर से, ये डिस्ट्रीब्यूटर है लाहौर का असलम पॉपुलर पिक्चर वाला, उन्होंने भेजा है, वो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पंजाब। उन्होंने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को बोला है कि आपने जावेद शेख को फिल्म में लिया है तो हम आपकी फिल्म पंजाब में नहीं लगाएंगे। क्यों? नहीं, क्योंकि फ्लॉप एक्टर को आपने ले लिया। वो धमाके की वजह से, धमाके की वजह से। तो उसने कहा कि फिर उसने कहा कि मैं तो इन वो इनको हटाएं, इसको हटाएं और फैसल रहमान को लेके आए। ओ सब पान मसाले वाला, यस नहीं तो अपना वही उसके साथ वो भी था ना उस समय में, फैसल रहमान तो वो, मगर उस वक्त हीरो रह चुका था, बाबरा के साथ फिल्म थी बिल्कुल से, वो हिट हो चुकी थी आज वाली, एग्जैक्टली। तो वो उसने कहा कि भाई इसको लो और जावेद शेख को निकालो। अब वो जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी जबीस में, वो इस वजह से हो रही कि मुझे निकालना है और उसको लेके आना। अब उन्होंने अपना फैसला सुना दिया, मुझे निकाल दिया, फैसल रहमान को लिया। मैं बड़ा रोया धोया, ये वो कहानी ख़त्म हो गई। अब भाईजान अनकही आ गया, अनकही सुपर डुपर हिट हो गया, बल्कि बियॉन्ड हिट हो गया। हाँ उसे तो बड़ा कोई प्ले का तो तसव्वुर अभी तक नहीं है। अनकही आया तो शिनाज शेख एक कमाल चीज। हाँ जी, तो उसके बाद एक फिल्म बन रही थी जिसका नाम था कभी अलविदा ना कहना, सतीश आनंद और नजर शबाब साहब ये दोनों मिलके फिल्म बना रहे थे। एक इंग्लिश का नॉवल था मैन वोमन एंड चाइल्ड, जिसमें जिसकी कहानी इंडिया में भी बनी मासूम के नाम से, नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी, वही कहानी इन्होंने यहाँ पर लेके कभी अलविदा ना कहा। दो लड़कियाँ उसमें, शबनम अगेन एंड सबीता फ्रॉम श्रीलंका, एंड आई वॉज सेलेक्टेड एज ए हीरो अगेन। अब उस फिल्म में काम किया तो ये वो वक्त था जब मैं उसकी शूटिंग कर रहा था और उसका क्लाइमेक्स कर रहा था, उसमें मेरा बेटा जो है वो डेथ बेड पे होता है और वो क्लाइमेक्स का सीन था और वो चल रहा था। तो वहाँ पर मुझे खबर मिली कि मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, एंड शी वॉज इन रावलपिंडी। और वो तो बीमार तो थी नहीं है, बीमार थी क्या? नहीं नहीं बस एकदम, हाँ यस। और लास्ट आपकी मुलाकात कब हुई थी उनसे? वो तो ऑब्वियसली जब शूटिंग नहीं होती थी, मैं पिंडी में या कराची में जब साथ ही हो, हम साथ ही थे, तो वो बस मेरा
मेरी जो ख्वाहिश थी कि वो मेरी वालदा मुझे एज ए फिल्म एक्टर जो मैं बाद में बनाऊँ, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अफसोस यही है ये वो नहीं देख सकी आप। मेरी वालदा मुझे देख नहीं सकी कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। नहीं देख तो रही हूँ हम आप। नहीं वो तो देख रहे होंगे लेकिन वो हाँ मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनको अपने प्रेमियर्स पे लेकर जाता, अपने साथ बाहर मुल्क में उन शूटिंग होती है तो उनको लेके जाता, तो वो उनकी खुशी की इंतहा ना होती कि जब जिनको शौक था खुद फिल्में देखने का, अब वो बेटा उनका हीरो बन गया तो ऑब्वियसली। तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अलमिया है कि मैं अपनी वालदा साहिबा को वो चीज़ नहीं दे सका शायद। लेकिन आपके वालिद ने देखा वो अरूज? वो तो देखा, वो तो अरूज तो उन्होंने देखा। वाह सर। अजय जैसे कुछ एटीट्यूड भी आया इस दौरान जब आपको कभी थोड़ा सा ये? कभी नहीं। और आपने जो लोग आपके उस जमाने के सुपरस्टार्स उनके अंदर भी नहीं था कुछ मतलब? और जो सुपरस्टार्स थे नदीम साहब, मोहम्मद अली, ये इनकी शख्सियत भी आपकी की तरह थी? नहीं, सबका अपना अपना एक अंदाज था। मेरा तो ऑब्वियसली मैं सबसे जूनियर था तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता था। नदीम साहब से आज भी मेरी दोस्ती है, अली साहब से मेरा ये तो, अली साहब और नदीम साहब तो वो लोग हैं जिनके साथ मैं पीसी में जाकर तस्वीरें बनाता था। आई स्वेयर नीचे मैं डेमिटेस में बैठ के बैठता था, इंतज़ार करता था यहाँ नदीम साहब ने आना है, मोहम्मद अली साहब ने आना है, और इंतज़ार सर एक तस्वीर। और अब वही एक्टर मेरे साथ सेट पे खड़े हुए हैं, और वही एक्टर जैसे नदीम साहब है, अल्लाह मियां उनको लंबी उम्र अता करे माशाल्लाह, क्या बात है। तो अब वो एक्टर मेरे साथ पैरेलल काम कर रहे हैं, ये माँ की दुआ है। आप देखो ना, एक जगह पे आके एक प्रोड्यूसर कहता कि यार मेरा ख्याल है जावेद शेख को हीरो लेते हैं। नहीं नहीं यार, नदीम को लेते हैं। तो ये चॉइस जो थी ये बड़ी बात थी। नहीं, इन लोगों के साथ जब आप जाहिर है एक, एक, एक पूरी ड्रीम होती है इतने बड़े अदाकारों के साथ आना आपका, तो किस तरह से कोप कैसे करते थे आप, एक ये मुझे बताएं ना, ये कॉन्फिडेंस कैसे आया कि एक तरफ तो आप इतना बड़ा एक आदमी को दूर से देख रहे हैं, कभी सोचा ही नहीं है कि इनके सामने आएंगे, और फिर आप सामने खड़े, तो हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इट? मैंने हमेशा ये सोचा था कि कोई भी हो उस पर अगर मैंने वो चीज़ सोचना शुरू कर दी तो फिर शायद मैं काम नहीं कर पाऊँगा। तो लिहाजा बेहतर ये है कि अपना जो काम है उसको मैं सही तरीके से लेके चलूँ, और मैं ना ये देखूँ कि मेरे सामने कौन है। और मैंने पहले दिन से अपने आप को वैसे रखा। ये बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मैं ये भी एक, हालांकि अभी हमारी जो प्रोग्राम है वो तो माँ के ऊपर, छोटा सा ये स्टूडेंट्स के लिए सवाल कि जो आपकी जो अदाकारी है वो किसी से लगा नहीं खाता? नहीं, बिल्कुल अलग है। आप कह सकते हैं कि ये जावेद शेख, हाँ बिल्कुल, मोहम्मद अली नहीं है, नदीम नहीं है, नहीं है साजिद, तो आपने उस सारे केस के बावजूद कि आप मरूब थे अपने ऊपर तारी नहीं किया? नहीं तारी, मैं तो आई वॉज अ क्रेजी फैन ऑफ मोहम्मद अली। मैं उनकी तस्वीरें सिनेमा से उठा के अपने घर में ला के रखता था, उन जैसे कपड़े पहनता था, वो जूती जैसे पहनते थे, वो जाके सदर से लेता था ये सफेद, हाँ बिल्कुल, तो वो जो कोल्हापुरी टाइप की जो चप्पल, तो वो मैं बिल्कुल था। मगर कमाल ये है जैसे मैंने आपको कहा कि अपने काम में मैंने कोई एंगल किसी एक्टर का नहीं रखा। ये कमाल है, ये मैं बिल्कुल एतराफ़ करता हूँ। एक्टर आई थिंक आपका बिल्कुल एक यूनिक अपना एक मकाम है, और आपकी टेक्निक भी बिल्कुल यूनिक है आपके लिए। बस एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, खवातीन हज़रात, बात हो रही है लिविंग लेजेंड जावेद शेख से, कहीं मत जाइएगा, नुकसान में रहेंगे। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी माँ अलिफ चैनल, अपने बहुत ही ब्यूटीफुल एजुकेशनल चैनल पर, और बात हो रही है लिविंग लेजेंड जनाब जावेद शेख साहब से। जावेद भाई, आपके जो किस्से हैं ना माशाल्लाह, उसमें हर तरफ इतना ज़्यादा लर्निंग कर्व है। ये जो आपका रेजिमेंट है, जो आपकी शख्सियत की बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, इसमें टाइम पे आना, सचना, ये आहिस्ता आहिस्ता आए हैं या आप शुरू से ही आपके पास? मुझे तो लगता है शुरू से ही है। मैंने शुरू से ही देखे ये हमेशा सोचा कि देखे अगर इंसान किसी को टाइम देता तो ये उसकी भी इज्जत है।
आप अगर टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी को इंतजार। हाँ यस, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी ये सोचा नहीं है कि किसी को इंतज़ार करवाऊँ, मेरी वजह से किसी का नुकसान हो, नेवर। आठ बच्चों को पालना, वो भी ज़्यादा बड़े कमरों में नहीं, खाना वही पका, तो माँ को आप कैसे देखते हैं अपनी वालदा की स्ट्रगल को? नहीं, वालदा ने तो बहुत हार्ड टाइम देख के, यानी कि इतने कम जगह पे इतने लोगों का रहना, फिर ऊपर से ये सारी चीज़ें देखना, स्ट्रगलिंग का दौर, स्कूल बच्चे, फीस, पैसा इतना नहीं है, यू नो, वो कंफर्ट नहीं है, वो सारा। बट बहुत हंसमुख थी मेरी वालदा, हंसमुख, हर वक्त चेहरे पर उनके मुस्कुराहट होती थी, कभी भी मैंने उनको गुस्से में नहीं देखा। वाले साहब तो मैंने देखा हमेशा गुस्से में, और मेरी वालदा अपोजिट थी, शी वॉज के बस मैं आपको बता नहीं सकता। तो कितना कितना अगर आपसे मैं पूछूं कि वक्त ज्यादा किसके साथ गुजरा आपका, दोनों वालदेन में से? वालदा के साथ। वालदा के साथ, हाँ ऑब्वियसली, वाले साहब अपने काम से निकल जाते, घर में तो वालदा ही होती थी। जैसे मैंने कहा, उनके साथ मैं फिल्म भी देखने चला जाता था, ये करता था, घर में बैठा रहता, तो वालदा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया। हेल्प ही करते थे वालदा की आप, सौदा सुल्फाना, ये यस, खाना पका रही है तो उसके साथ बैठ जा रहा। यस यस, और ये बच्चे जब होते गए और आप सबसे बड़े थे, तो उनकी तरफ आपका रवैया कैसा? वैसे ही था जो एक हेड ऑफ द फैमिली का होता है। मैं उनको, अपने बच्चों को अपने बच्चों की तरह रखता था, अपने बहन भाइयों को सब। तो आपका भी रवैया तकरीबन वालिद की तरह था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डिस्टेंस। अब मिसाल के तौर पे मैंने जब काम शुरू किया तो 150 रुपया जो मुझे रेडियो टीवी इधर से उधर से मिलता था, तो वो ला के इनके लिए खर्च करता था। कि ये नहीं है कि मैंने अपने ऊपर खर्च, उनके ऊपर 10 रुपये अपने लिए रख लिए तो 20 रुपये उनको दे दिए, 10 रुपये अपने लिए 30 उनको दे दिए, लाइक दैट। माँ के पास भी जाके पैसे दे? यस ऑफ कोर्स, यस, हर वक्त पैसे की किसी, यस yes। खैर इतना पैसा तो था ही नहीं कि इतने ला के देते, जो मैं कह रहा हूँ ऑब्वियसली। बट वो ग्रेजुअली जब एक्टर बनना शुरू हुआ, काम टीवी पे एज ए हीरो आना शुरू हुआ, तो रकम थोड़ी ज़्यादा आनी शुरू हुई, तो वो ज़्यादा रकम माँ को देना, उनकी ख्वाहिश पूरी करना, उनको शौक था घड़ी पहनने का, बहुत अच्छी सी घड़ी ला के दी, यू नो, कपड़े पहनने का शौक, यस यस। तो वो ये सारी मगर मैंने कहा ना साजिद कि मुझे बहुत शौक था कि मैं इनको बाहर लेके जाता, उनको हज उम्रा करवाता, जो मैं नहीं करवा सका, जो सारी जिंदगी मुझे अफसोस रहेगा इसमें। हाँ मुझे भी सर यकीन yes। मैं तो अपनी वालदा की बिल्कुल ही खिदमत नहीं yes। आप तो बड़े खुशनसीब हैं कि कम से कम आप साथ रहे इतना अरसा yes। और भी, लेकिन आपका वालदा से बहुत अरसे के लिए ताल्लुक कभी नहीं टूटा? नहीं, नो no। ये कभी नहीं हुआ कि आपने पता ही नहीं चला वालदा को? नो 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 नो, 4 महीने के लिए गए? नो 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 नो, नॉट एट ऑल। किसी तरह कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं? नॉट एट ऑल, यस बिल्कुल। सिवाय इसके कि जब लाहौर में मैं शूटिंग करता था तो वो रावलपिंडी में होती थी या फिर कराची में होती थी, तो वो दैट्स ऑल। आपकी शादी देखी उन्होंने? हाँ यस, शादी देखी उन्होंने। किन्होंने? आपकी वालदा ने? मेरी वालदा ने शुरू में तो वो हयात थी ना जब मेरी शादी जीनत से हुई है। हुई, यस। तो आप उसमें थी वो? यस। तो कैसे पार्टिसिपेट किया उन्होंने उनको? नहीं, वो ऑब्वियसली जवान बेटा है, उसने अपनी पसंद बता दी है, तो ना वालिद को एतराज़ हुआ ना वालदा को एतराज़ हुआ। अच्छा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया? शादी बड़े दिल यस यस। बच्चे भी उनके सामने हुए दोनों? बच्चे जो यस शहजाद और मोमल yes। हाँ बिल्कुल दोनों उनके सामने। कितने बड़े थे वो? देखे ना, मैं तो 81 में शादी हुई, 82-83 में हुआ, तो वो पहले शहजाद हुआ, उसके बाद मोमल हुई है। तो मोमल और मम्मी की डेथ 83 में, तो 5-6 साल तो रहे। यस यस, तो उन्होंने देखा कम से कम आपकी ये देखी। यस, बाकी बच्चों की भी शादी देखी उन्होंने, बाकी जो आपके बहन भाई हैं? हाँ ना, वो तो देखे ना, 37 अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो यस, मेरी सिस्टर जो सफीना है उसकी शादी देखी, और फिर
मेरी जो बहन दुबई में है फरीदा, उसकी भी देखी। मेरी जो पहली बहन थी उसकी शादी तो हमारे कज़न के साथ ही हुई, ऑब्वियसली वो शी वॉज पार्ट ऑफ दैट। That's a good thing. मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं, बहुत अर्ली ना, ना, ना। अल्लाह का फजल रहा। Yes, अल्हम्दुलिल्लाह। How did your father take your mother's death? वो बहुत रोए थे। उन्होंने कहा यार मेरा एक ही साथी था जो मुझसे बिछड़ गया, एंड ही वॉज वेरी वेरी सैड, वेरी वेरी सैड, वेरी लोनली, यू नो। तो फिर आपके साथ रहे फिर वो? हाँ, फिर उसके बाद जब लाहौर में मैं शिफ्ट हुआ कराची से, कभी अलविदा ना कहना, तो वालिद साहब, मैं, सलीम और मेरा छोटा भाई नासिर, हम लोग वी यूज टू स्टे इन वन हाउस सर्वर रोड पे जो हम रहते, तो वो मेरे साथ रहे हैं जब उनकी डेथ हुई है 94-95 में। इसका मतलब है कि एक माशाल्लाह पूरी जिंदगी उन्होंने yes. भरपूर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कामयाबी पार्शियली देखी देखी ना, मतलब yes. ये तो नहीं, आप भी आसूदा हुए नहीं। ये जब आप कामयाब होते हैं पाकिस्तान में एज एन अदाकार, तो क्या फाइनेंशियल पोजीशन भी बेहतर हुई आपकी? ऑब्वियसली घर बदला, चीजें, हाँ ऑब्वियसली चीजें बदली, रहन सहन बदला, खाना पीना बदला, सारा कुछ है। वो तो फर्क तो होता है। आप थे उसकी वजह? यस, मेरी वजह से। कुछ फख्र तो महसूस करते होंगे आप अपने लिए, यार मैंने अपने वालिदैन को एक अच्छे बेटे की हैसियत से भी। मैं कह रहा ना कि मैं इससे और ज्यादा करना चाह रहा था, इससे और ज्यादा करना चाह रहा था। आपके अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं मेरे। कभी जो मेरे वालिद साहब ने मुझे सिखाया वो मैंने इनको आगे कर दिया कि बेटा झूठ नहीं बोलना और किसी से डरना नहीं है, और वो अपने पल्ले बांधा हुआ है दोनों मोमल और शहजाद ने, और वो ऐसे ही करते हैं माशाल्लाह वो दोनों। प्लस ये भी है कि मैंने मोमल और शहजाद के लिए अपनी ये शोबिस की इंडस्ट्री में कभी इनकी प्रमोशन नहीं, प्रमोशन खुद ही जो मिलता है अल्लाह का फजल, तक नहीं। दोनों टैलेंटेड हैं। मैं कह रहा ना, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि यार शहजाद को मैंने कैसा बेटा है यार, सच सच बताएं है? कैसा बेटा है शहजाद? वेरी गुड। क्या अच्छाई है उसमें? He's so good, you know, माशाल्लाह। किस मामले में? नहीं, he's loving। देखो किस मामले में, कि वो जब लोग मुझे कहते हैं कि यार तुम्हारा बेटा कमाल है, यार कमाल है भाई तुम्हारा, तो वो खुशी टाइम देता है आपको? यस। कितना टाइम गुजारते हैं घर में? ऑब्वियसली वो मेरे साथ ही है तो रात को मुलाकात होती है, खाना साथ खाते हैं, यस बातें करते हैं एक दूसरे से आप? यस, आ जाता है मेरे कमरे में, एंड वी सिट एंड डिस्कस, मुख्तलिफ चीजों पर डिस्कस होती है, फिल्मों पर, ड्रामा। क्या चीजें अच्छी लगती हैं उसकी बहुत आपको? कौन सी आदतें? इज ऑनेस्ट, वो किसी गलत काम में नहीं है, यू सी। बड़ा फैमिली का फैमिली याद, हाँ भाई, उसने अपने बच्चों और बीवी के लिए तो वो जान देता है। और बेटी? वेरी, बेटी भी ऐसे ही है। देखिए मेरी बेटी को शौक था काम करने का, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा, हालांकि पढ़ा रही थी एक जमाने में, हाँ यस यस, मैंने कहा देखो बेटा बात यह है कि तुम्हारी शादी होनी है, तो तुम बेहतर ये है कि उस वक्त काम करना जब तुम्हारी शादी हो जाए और तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें इजाज़त दे तो फिर करना। वो इत्तफाक से जब उसकी शादी हुई तो हस्बैंड उसको बड़ा अच्छा मिला नादिर, उसने कहा कि मुझे मेरा शौक है, हस्बैंड ने कहा ओके गो हैड, एंड देन शी स्टार्टेड वर्किंग। आपने नहीं दी थी इजाज़त? नहीं मैंने नहीं दी। आपने नहीं दी? हालांकि आपने भी वही हरकत की जो आपके वालिद ने की। नहीं, वो क्योंकि बेटी थी, बेटी उस वजह से, और माशरे और भी उसकी वजह से नहीं बदला माशरा हमारा, नहीं बदला, नहीं बदला। अभी भी हम कहीं ना कहीं यस यस बुरी नजर से देखते yes, हैं yes, इस मीडिया को, yes. ये बदलना चाहिए। हाँ बदलना चाहिए, बट टाइम लगेगा, अभी 100 साल और लगे। कुछ खराबियां हैं भी? हाँ ऑब्वियसली कुछ हमारे अंदर खराबियां हैं ना, ऑफ कोर्स। उसकी निशानदेही करना आसान काम नहीं? निशानदेही देखे कर कर के थक गए, लोग चले गए, हम भी चले जाएंगे, ये प्रॉब्लम्स और ये चीज़ें रहेंगी। आप ज़हनियत नहीं बदल सकते, ये ज़हनियत और ये सारी चीज़ें उस वक्त बदलेंगी जब ओवरऑल स्ट्रक्चर पूरे मुल्क का सही होगा। सिर्फ इन चीज़ों पे आके हम नहीं कर सकते, हमारे मुल्क में तो बहुत सी चीज़ें बदलनी है। इंसाफ मिलना चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू नो, ये सारी चीज़ों को मिला के फिर ये ज़हनियत बदलेगी।
लेकिन ये आप जो जिन चीज़ों की निशानदेही करते हैं अब सबके सामने आया है। पहले शायद चीदा चीदा कम कम लोग ये एहसास रखते थे, लेकिन अब तो ये माशरे में काफ़ी एहसास बढ़ता जा रहा है। नई जनरेशन हमसे मुख्तलिफ है। यस ऑफ कोर्स मुख्तलिफ। जैसे आप अपने वालदेन से मुख्तलिफ थे, तो मेरे बच्चे मुझसे मुख्तलिफ है। हैं ना? यस। किस तरह से मुख्तलिफ है? हैं? क्या मुख्तलिफ है आपसे? नहीं, मुख्तलिफ इन द सेंस सोच उनकी मुख्तलिफ है, उनका उनका एक अपना अंदाज है, आउटलुक उनका डिफरेंट है आपसे। हाँ यस। अब मिसाल के तौर पे मैं तो अभी भी दाल रोटी वाला आदमी हूँ, वो कह रहे हैं कि नहीं बर्गर खाना है और नया बर्गर शॉप खुली है वहाँ जाना है, पिज्जा खाना है, ये करना है, तो वो मेरा मतलब है उनकी एज भी है, एज भी है, और फिर वो हाँ टेक्नोलॉजी उनको लेटेस्ट चाहिए, हर चीज़ वो उस हिसाब से चाहिए। वो तो बाप की हैसियत से आप मुतमईन हैं कि आपने बाप की हैसियत से अलहमदल नहीं बहुत टाइम दिया एक उसमें नहीं मेरा थोड़ा सा जो पीरियड था जो मैंने स्ट्रगल में गुजारा, दूसरी शादी हुई, जो मेरी दूसरी शादी सलमा आगा से हुई थी, वो दैट वाज पीरियड जो मैं कुछ अरसा कुछ साल जो अपने बच्चों के साथ नहीं, यानी कि एग्जैक्टली नहीं रहा, बट वो बच्चे मेरे पास ही होते थे। डिवोर्स हो गई थी जीनत से, बट बच्चे पास होते थे मेरे बहन भाई मेरे, ये कमाल था कि सबको ऐसे करके रखा हुआ था। तो वो मेरा कहने का मतलब उसमें मेरे बच्चे भी थे, तो मेरे बच्चे मेरे जो बहन के बच्चे भाई के बच्चे थे वो सब इकट्ठे बड़े हुए, तो वो लिहाजा वो कोई फ़र्क नहीं लगा। बट मुझे लगा कि मैंने इनको कम टाइम दिया जो अब मैं दे रहा हूँ उनको, और तो मैंने दिया और दोनों की शादियाँ माशाल्लाह अच्छे तरीके से कर दी। तो अभी तो बड़ा माशाल्लाह आपके पास 100 साल का और टाइम पड़ा हुआ है जावेद भाई। अभी तो लाइव शुरू हुई है क्या? छोटा सा ब्रेक है तीन हजरात, मुझे कहा जा रहा है एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मजा आएगा, देखते रहिए मेरी माँ। वेलकम बैक है तीन हजरात, आप देख रहे हैं मेरी माँ और बात हो रही है लिविंग लेजेंड जनाब जावेद शेख साहब से, और इनकी जो खजाना है एक तो जाहिर एक पूरा दौर आपने देखा है जावेद भाई, और पाकिस्तान के बहुत सारे अदवार आपने अब इस 2022 में बैठे हुए हैं, और उसका भी अब आखिरी दिसंबर आने वाला है। ये जो माँ बाप की एक प्रेजेंस होती है लाइफ में, वो जब तक हो उस वक्त तक इतना नहीं समझ आती, लेकिन जब वो नहीं होते तो उनके ना होने का एहसास बहुत ज़्यादा होता है। यस, ख़ास तौर पर जब आदमी अकेला हो, कोई गम जिसको और किसी से शेयर ही ना कर सके, और या फिर जब आपने कुछ अचीव किया हो लाइफ में वो शेयर ना कर सके, और खुशी जो ट्रू वो जो खुशी बस वो खुशी किसी और की हो नहीं सकती। यस, ये बात सच है। यस यस बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो उस चीज़ को मिस करता हूँ कि मेरी सारी खुशियाँ जो मेरी सारी अचीवमेंट्स हैं लाइफ में वो मैं अपनी वालदा के साथ नहीं शेयर कर सका। वालिद साहब ने तो कुछ अरसा देखा 8-10 साल, मगर वालदा ने आखिर तक वालिद साहब काम करते रहे कि उन्होंने छोड़ दिया था फिर? नहीं, उन्होंने बात छोड़ दिया था जब मैं जैसे लाहौर में आया हूँ 83 में, तो उन्होंने छोड़ दिया, उनको रिटायरमेंट दिलवा दी थी। आप बैठे मैं ना यस ऐसा हुआ? यस ऐसा ही था। और घर पे आप घर पे रहा करते थे? यस। टांगे शांगे दवाइयाँ साहब? बिल्कुल बिल्कुल। यस 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 सब कुछ किया। यस। आप सख्त भाई थे बड़े? मैं आप मतलब बच्चों पे कोई जुल्म नहीं, कोई छोटा डरता है आपसे कोई? मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, जुल्म वाला तो हूँ नहीं। नहीं हाँ, आई एम अ फ्रेंच। अगर आपकी नेशनलिटी आपको चॉइस दी तो फ्रेंच है? नहीं नहीं, मैं ऐसे मजाक में, एक्चुअली मजाक में, वो इसलिए ऐसी मैं अपने दोस्तों को छेड़ता था हमेशा, ये कहता हूँ कि यार वो तुम वो मेरा बैरोज जो है ना वो मुझे हमेशा छेड़ता है, और यार पिंडीवाल है कहता है। हाँ हाँ वो कहता है यार, 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 ये पिंडीवाल है। मैंने कहा नहीं भाई, आई एम फ्रेंच, एक्सक्यूज मी, जो पा फ्रांसे जो ने पापा ऑंग्ले समझ मुझे कुछ नहीं आई क्या कहा इन्होंने, लेकिन खाने पीने का भी बड़ा शौक है आपको? यस, अब बनाता हूँ मैं, आई एम अ वेरी गुड कुक। ये वालदा की तरफ से आया? नहीं, कहीं से नहीं आया, मुझे खुद ही शौक हो गया। टेलीविजन पे जो कुकिंग के प्रोग्राम आते हैं उनको देख देख के और मुझे शौक हो गया, और मैं कई साल हो गए मैं खाना बनाता हूँ। क्या खाना बनाते हैं? मैं चाइनीज़ बनाता हूँ, इटालियन बनाता हूँ,
पाकिस्तानी खाने नहीं बना सकता, मुश्किल भी नहीं और मसाले वाले ज्यादा मुझे पसंद नहीं है। ये बात, यस, मसाले ना हो, यस, ये आपको ज्यादा पसंद है, ज्यादा मसाले नहीं। वालिद साहब के और वालदा के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं, उनकी स्ट्रगल कैसे देखते हैं, उनकी स्ट्रगल को आप खुद उनके दूर से, अगर बेटे ना होते उनके तो आप एक ऐसे शादीशुदा जोड़े को देखते जिनके 8 बच्चे, उनकी स्ट्रगल को आप कैसे समराइज करें? नहीं, उनकी स्ट्रगल वो बस मेरी वालदा ताबेदार खातून थी, वो जो उनके हस्बैंड कहते वो वैसे करते, और मेरे वालिद साहब थे कि भाई जो घर की ज़रूरत है उसको हर तरीके से पूरा करना है, और बच्चों को अपने शेल्टर में रखना है, उनको अच्छा सबक देना है। अब मैं आपको वालिद साहब, आपके सारे 8 बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा करीब किसके साथ थे आपके वालदे? वालदा सबसे ज़्यादा करीब थी 8 में से। मेरा ख्याल है वो मेरे जो छोटे भाई सलीम है उनके साथ ज़्यादा थे। थी सबसे छोटा इस वजह से शायद आपका भी सबसे अच्छा। मुझे कमाल यह है कि सलीम और नासिर जो है ना, ये कराची में पैदा हुए, ठीक है, बेसिकली हम घर में पंजाबी बोलते हैं, तो अब वो मेरे वालिद साहब जैसे हैं बाकी बहन भाइयों से, और जवेद यार तू है काम कर रहा है उतो आ चीज़ लेके आ जा, और नजमा तू है तो चुक के उथे रख दे, तो अबे तू इधर चल, तू ये उठा और ये यहाँ से वहाँ रख दे, उनके साथ उर्दू में शुरू हुआ। अच्छा, ऐसी कैसी अजीब सी बात, अजीब सी बात, दो बच्चों के साथ पंजाबी, हाँ, और दो उसके खड़क उर्दू, अब क्या कर रहा है, क्या बैठा हुआ तू, चल वो काम कर। सलीम को पंजाबी नहीं आती, इसका मतलब है? नहीं नहीं आती है, आती है, दोनों को आती है, मगर उनके जहन में है कि ये कराची में पैदा हुआ है तो ये उर्दू दाल है। स्ट्रगल की मैं बात कर रहा था कि किस किस्म की स्ट्रगल थी, हार्ड लाइफ थी, इजी लाइफ देखते हैं आप? नहीं, हार्ड लाइफ थी ऑब्वियसली, स्ट्रगल ऑब्वियसली, उनके पास वो कंफर्ट तो नहीं था, और इतना कोई ज़्यादा पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, कोई लेविश लाइफ नहीं थी, तो स्ट्रगल थी ना ऑब्वियसली। अगर हम प्लाजा क्वार्टर में रह रहे हैं तो वो स्ट्रगल ही तो थी। वालदा ने कंप्लेन नहीं करती थी? वालदा कौन? वालदा नहीं कंप्लेन नहीं किया इतने सालों ना, कभी तो यार आपको बिठा के कि तेरे बाप ना 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 तबाह कर दी। शी वाज नॉट लाइक क्या कर, शी वाज नॉट लाइक दैट एट ऑल, तारीफें करती थी हमेशा। और वो शायद जो कंप्लेन वाली बात है ना, वो शायद मेरे अंदर आ गई है कि मुझे कंप्लेन, मैं अपनी लाइफ में मेरी कोई कंप्लेन नहीं, मैं ज़मीन पे भी बैठ जाऊंगा, मैंने जैसे बताया सोफे पे भी बैठ जाऊंगा, रोटी भी खा लूंगा और फ्रेंच खाना भी खा लूंगा, आई डोंट माइंड। ये कंप्लेन कहती है किस तरह की, मतलब ये कहीं ना कहीं तो फ्रस्ट्रेशन आती होगी यार, कभी ये देख के, कभी टीवी देख के, न्यूज़ सुन के। एब्सोल्युटली, आप न्यूज़ देखते हैं? Yes, of course. मैं तो न्यूज, कोई असर नहीं पड़ता उससे ना भाई, ऐसी ऐसी दिल खराश। अरे भाई, मगर मेरा अपना वर्जन है ना, अल्लाह ताला ने मुझे दिमाग दिया है तो मैं सोचूंगा कि इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, कितनी पॉलिटिक्स है, कितना कुछ है, तो मैं अपना हिसाब से वो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मेरी माँ। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं मेरी माँ और बात हो रही है लिविंग लेजेंड जनाब जावेद शेख साहब से। तो माँ बाप को आप अब बिल्कुल आप समझते हैं कि आपकी मुलाकात होगी उनसे, एक बिलीव है आपके अंदर? मतलब हम भी तो कहीं ना कहीं जाएंगे जावेद। यस यस, तो आपको yes, लगता है हमारी मुलाकात होगी? यस यस, बिल्कुल होगी, होगी ख्वाहिश। यस yes, ख्वाहिश है मेरी माँ से, मैं गले लगा के उसको मिलूं। यस yes. और क्या कहेंगे अगर मिले तो? क्या मिले, क्या कहेंगे? क्या कहूँगा, मुझे नहीं समझ आती मैं क्या कहूँगा, एक मिनट में जज्बात में कुछ कह नहीं सका। हाँ, कोई अगर माँ के बारे में कोई एक कोई आपसे पूछूं, कोई किस्सा, कोई ऐसी चीज कि जिसकी वजह से आज तक आपको नहीं भूलती बात माँ की, एक ऐसा किस्सा, कोई ऐसा वक्त कि जिसमें अब याद आता है, जब माँ याद आती है तो किस्सा भी याद आता है? नहीं, वो जो मुझे पहले मार पड़ रही थी और माँ जो आके जब मैं लटका हुआ था, वो जो मुझसे लिपटी है और वो जो उन्होंने मुझे बचाया है वाले साहब की मार से, वो दैट वाज यस, वो अच्छा, वो मतलब उस वक्त आपको पता चला कि जान भी देने को तैयार? यस यस यस,
ये माँ का कॉन्सेप्ट है कैसी, नेचुरल है आपके ख्याल से? क्योंकि हर माँ एक जैसी नहीं होती, कई माएँ खतरनाक भी होती हैं, बच्चों के साथ सख्तियाँ भी करती हैं। किस तरह को देख, इस रिश्ते को कैसे देखते हैं आप माँ के? नहीं नहीं, मैं तो समझता हूँ, देखो जी, हर इंसान के लिए माँ का रिश्ता एक बड़ा, बहुत बड़ा रुतबा है। मगर जैसे आपने कहा कि हर माँ एक जैसी नहीं होती, मगर बच्चे की नज़र में माँ अगर अच्छी है तब भी वो माँ है, और माँ अगर डाइन है तो तब भी माँ है। बिल्कुल सही बात, ये बात तो सच है। इसी सो वो औलाद के तो बस में नहीं है कि माँ को कुछ सोच सके या कह सके, ऊपर वाले ने कहा हुआ। आपके वालिद तो काफ़ी सख्त तबीयत के थे, आप भी अपने बच्चों के साथ कभी कभी सख्ती से बोलते? बिल्कुल सख्ती नहीं यार, किस किस्म की बात कर, थोड़ी बहुत सख्ती, थोड़ी बहुत डांट। आई एम फ्रेंच। क्या फ्रेंच डांटते हैं? नहीं नहीं डांटते, मैं वैसे कह रहा हूँ, सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस है। मैंने कहा ना, जो मेरी वालदा थी कूल हेडेड सॉफ्ट हार्टेड, वो मैं ही, आप मुझ पर अप्लाई कर ले, आई एम वेरी कूल हेडेड एंड सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। कभी लड़ाई नहीं हुई किसी से आपकी? हाथापाई काफी अरसे तक, कभी बेरूस से कोई झगड़ा? नहीं, झगड़ा भी अगर होगा तो ऐसे, यार ये देखो तुमने अच्छा नहीं किया, ये फला, ये सब तक। शादी के बगैर इतने अरसे रहना, जितने अरसे आप रह रहे हैं, ये पर्सनल चॉइस है या आपको कोई सूटेबल नहीं, सोल नहीं मिल रहा था? ऐसा बस किस्मत में ऐसे लिखा था। क्या किस्मत, तो आप खुद लिखते हैं? नहीं ऐसा नहीं है। आप फेटलिस्ट हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या है आप बताएं? नहीं, मैं, आप जिंदगी को क्या समझते हैं बताइए। नहीं नहीं, मैं, मेरा मतलब है किस्मत मैं लिखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार मैं आज इस होटल का मालिक बन जाऊँ, तो मैं आज तो नहीं बन सकता, बट किस्मत में अल्लाह ताला वो रास्ता भी तो डालता है जिस पे चलना पड़ता है, तो वो फिर आपको मिलता है। तो ये एक इंसान, तो आप अपने आप को रिजाइन कर चुके हैं इस मामले में? क्या रिजाइन कर चुके हैं इस मामले में? किस मामले के? ये बस अब नहीं मुमकिन है। नो कमेंट्स। आई लव यू एंड दिस इज एंड ऑफ इट। नो कमेंट। नहीं, अगर मैं आपसे सच सच पूछूं, हम लोग क्योंकि माँ के हवाले से बहुत लोग अपने, यू नो, मैं लोगों की बातें सुनता हूँ दूसरों के बारे में, तो मुझे लगता है जैसे वो झूठ बोल रहे हैं कई दफ़ा। आपकी शख्सियत ऐसी है जावेद भाई कि जो आप हैं वो सिर्फ आप ही जानते हैं आप, क्योंकि आपने ज़्यादा लोगों के ऊपर अपना आप डाला भी नहीं, ना लोगों के मुसल्लत किया अपने आप को, ना आप बहुत ज़्यादा अपने बारे में बोलते हैं, तो आप अपने आप को किस किस्म का आदमी समझते हैं? किस तरह से आपको याद किया जाए? क्या समझते हैं आपकी, मैं इस किस्म का हूँ यार, मैं ऐसा हूँ? देखिए, मैं समझता हूँ आई एम वेरी डाउन टू अर्थ, ऑनेस्ट, ना डरने वाला, ना झूठ बोलने वाला, ना किसी को तंग करने वाला, और वेरी हेल्पिंग। मैं लोगों की मदद भी करना चाहता हूँ, मैं उनका दुख दर्द भी बांटना चाहता हूँ, मैं बहुत से ऐसे काम करना चाहता हूँ जो मैं शायद अपने लिए ना करूँ, दूसरों के लिए करूँ, और मैं बहुत करता हूँ, बहुत करता हूँ, ऐसा नहीं है। सो मुझे सेटिस्फेक्शन उसमें मिलती है, और मैं समझता हूँ कि मैं जिस ट्रैक पे हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट। बादशाह 100%। अभी कोई सुपरस्टार की मूवी आ रही है आपकी, कोई मूवीज आ रही है? यस, अभी दो फिल्में हैं, जैसे मैंने बताया कि आपको अगर मगर है, फिर ऊपर से ये दो फिल्में अभी जो बन गई हैं, कोविड की वजह से नहीं लग सकी, वो अभी लगने वाली हैं। एक तो मनी बैक गारंटी है, और एक फिल्म का नाम है 11वें। ये दो फिल्में अभी आई थिंक नवंबर में लगेंगी। आप अपनी वालदा के नाम पे कुछ करना चाहेंगे? नहीं, मैंने कभी इस पे आके नहीं सोचा, सही बात बताऊं, बट ये है कि मुझे मौका मिले तो मैं, मिसाल के तौर पे, मैंने तो कुछ नहीं किया, मत वो ये है कि यार वो एक ये फलाई इदारा है लंदन का, तो वो मुख्तलिफ काम करता है, ये गांव में जाके इधर हैंड पंप लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसके पैसे दे के अपने वालिद और वालदा के नाम करवा दिए, यू नो, सो एटलीस्ट उनकी तख्ती लगी हुई है, सो आई एम हैप्पी कि मेरे लिए ये बहुत है।
माओ के लिए आपका आप क्या कहेंगे जो माएँ हैं आप देख रही हैं आपको, क्या उनको पैगाम देना चाहेंगे कि ये होना चाहिए आप लोगों का मतमय नज़र? नहीं, माओ को तो नहीं, मगर जो माओ के बच्चे हैं उनको उनको पैगाम ज़रूर दे सकता हूँ। माओ को तो मैं पैगाम दे भी नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकते? माएँ यंग भी होती नहीं, नहीं, नहीं छोटी छोटी माँ जो भी है माँ है माँ, ये बात सच। माँ माँ क्या तो उनके बच्चों को दे दें, चले उनके बच्चों को पैगाम है कि अपने माँ बाप की कदर करें, अपनी माँ के साथ प्यार करें, आपकी माँ जैसे भी है उसको टाइम दे, उससे प्यार करें, उससे मोहब्बत करें, और जब वो नहीं रहेगी तो आप उसको बहुत मिस करेंगे। माँ के अलावा कुछ नहीं है दुनिया, और माँ ही है जिसकी वजह से आप जिस मकाम पे हैं वो माँ की वजह से, ऑब्वियसली बाप की वजह से भी है, बट माँ का जो कलेजा जो दिल आपके लिए धड़कता है वो किसी और का नहीं हो सकता। इसी बात पे अगले हफ्ते तक के लिए